चलो, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इंजन बनाया, उसका एक टेम्परेचर रेंज दिया हुआ, कर्नो इंजन का टेम्परेचर रेंज दिया है। हायर टेम्परेचर सोर्स होता है 127 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 ऐड कर दो तो 200, 300, 400 केल्विन, और टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 प्लस 273 ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 300 केल्विन। इस टेम्परेचर रेंज पे उस साइंटिस्ट का इंजन काम करता है और वो कह रहे हैं कि इसकी इफिशियंसी 26% है। ठीक है, ये साइंटिस्ट की डेटा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलो, तो आपको याद होगा, आप थ्योरी में पढ़े होंगे, जो इफिशियंसी ऑफ कर्नो इंजन है वो एक आइडियल इफिशियंसी है, वो एक मैक्सिमम इफिशियंसी है। कोई भी चीज़ अगर आइडियल है तो जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो उसकी वैल्यू आइडियल से तो कम ही आएगी यार। तो अगर बहुत अच्छा है तो आइडियल आइडियल जो है वो इफिशियंसी, ये जो इफिशियंसी है ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम इफिशियंसी है इंजन की, कर्नो इंजन की। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, तो 1 माइनस इस रेंज पे 400 400 और ये 300, उल्टा रख दिए, उल्टा लिख दिया इसको मैं, बेसिकली यहाँ से 1 माइनस T2, T2 ए है, तो T2 300 और डिवाइडेड बाई 400, 300 डिवाइडेड बाई 400 1/4। तो दिस इज द इफिशियंसी। अब परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25% आएगा। मतलब कर्नो इंजन इस टेम्परेचर रेंज से कर्नो इंजन की इफिशियंसी 25% आ रही है और एक आइडियल मैक्सिमम इफिशियंसी है, तो 26% कैसे आएगा? वो गलत बोल रहे हैं साइंटिस्ट जी। ठीक है, इसका मतलब ये है, इट्स इम्पॉसिबल कि 26% इफिशियंसी आ जाए। इफिशियंसी या तो 25% होगी आइडियल केस में, या तो 25% से कम ही होगी। प्रैक्टिकली ऐसा दुनिया में कोई इंजन नहीं है जो इसकी इफिशियंसी एग्जैक्ट इससे मैच करे, हमेशा इफिशियंसी इससे कम ही आती है।